तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नासा का जो इंजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर है उसकी फर्स्ट फ्लाइट को 14 अप्रैल को पोस्टपोन कर दिया गया था, क्योंकि इसका जो फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर था उसमें ग्लिच आ जाने की वजह से इसका जो प्री फ्लाइट मोड से फ्लाइट मोड में जाने का जो पीरियड था वह काफी कम हो गया था। इसलिए नासा की तरफ से इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट की डेट है उसको नेक्स्ट वीक में अनाउंस करने की बात कही गई थी। तो आज नासा की तरफ से इसी के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि यह जो हेलीकॉप्टर है इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कब और कैसे कंडक्ट करा जाएगा। तो आज नासा की तरफ से यह बताया गया है कि ये जो इंजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर है इसके जितने भी सॉफ्टवेयर इश्यूज थे उनको रिजॉल्व कर लिया गया है और अभी ये जो मार्स हेलीकॉप्टर है वह मार्स पर अपनी फर्स्ट हिस्टोरिक फ्लाइट को कंडक्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और नासा की तरफ से यह जो हेलीकॉप्टर है इसके जितने भी रोटर टेस्ट थे उनको सक्सेसफुली परफॉर्म करा जा चुका है और यह जो हेलीकॉप्टर है वह बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। इसलिए नासा की तरफ से 19 अप्रैल यानी कि सोमवार को इस हेलीकॉप्टर की फर्स्ट फ्लाइट को शेड्यूल करा गया है और यह जो फर्स्ट फ्लाइट है वह 19 अप्रैल को 6:15 AM EDT, मतलब कि अगर आप इसको इंडियन टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो यह जो फर्स्ट फ्लाइट है वह आपको 19 अप्रैल को 3:45 PM पर देखने को मिलेगी। और यह जो हेलीकॉप्टर की फ्लाइट है इसकी जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग है वह नासा की तरफ से नासा के जितने भी ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स है उसमें कंडक्ट करा जाएगा। और क्या यह जो फर्स्ट फ्लाइट की लाइव स्ट्रीमिंग है यह आप हिंदी स्पेस चैनल पर देखना चाहते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आपको यह भी बता दें कि यह जो फर्स्ट फ्लाइट की डेट है ये आज रात तक पोस्टपोन भी हो सकती है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के जो मिशन कंट्रोल इंजीनियर्स हैं उसके द्वारा इसकी टेस्टिंग में अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी आती है तो यह जो हेलीकॉप्टर की फर्स्ट फ्लाइट है इसको एक बार फिर से पोस्टपोन करा जा सकता है। तो नासा की तरफ से प्रेजेंट टाइम में तो यह कन्फर्म करा गया है, लेकिन इसकी जो पिछली फर्स्ट फ्लाइट थी उसमें भी मात्र 21 आवर्स पहले ही यह अनाउंस करा गया था कि यह जो फर्स्ट फ्लाइट की डेट है इसको रीशेड्यूल करा गया है। और यह जो परसिवरेंस रोवर है इसी के द्वारा इस इंजीनिटी मार्स हेलीकॉप्टर की फर्स्ट फ्लाइट को रिकॉर्ड भी करा जाएगा। और अपनी फर्स्ट फ्लाइट में यह जो मार्स हेलीकॉप्टर है यह मार्सियन सरफेस से 16.5 फीट की ऊंचाई पर जाएगा, जहाँ से यह अपने कैमराज की मदद से कुछ मार्शियन इमेजेस को कैप्चर करेगा जो कि आपको हिंदी स्पेस चैनल पर देखने को मिली जाएंगी। तो यह तो इंजीनिटी हेलीकॉप्टर के रिगार्डिंग जो अब तक की सबसे बड़ी बिगेस्ट अपडेट थी यह वही थी। और परसिवरेंस रोवर प्रेजेंट टाइम में अपना जो साइंटिफिक वर्क है उसको अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, जिसके बारे में हमने अपना जो स्पेस अपडेट एपिसोड है उसमें भी बताया था। तो यह जो मार्सियन हेलीकॉप्टर की फर्स्ट फ्लाइट है जो कल कंडक्ट करी जानी है इसके लिए आप ट्यून्ड रहिएगा, क्योंकि अगर आप यह मिस कर देते हैं तो इसको देखने की जो अपॉर्चुनिटी है वह आपको शायद दोबारा कभी ना मिले, क्योंकि यह ऐसा पहला हेलीकॉप्टर है जो कि पृथ्वी के अलावा किसी अन्य प्लेनेट पर अपनी उड़ान को कंडक्ट कर रहा है। कि अगर आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग को हिंदी स्पेस चैनल पर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपके सभी दोस्तों को जो डेली इंटरनेशनल स्पेस अपडेट्स होते हैं उनके बारे में हिंदी में पता चलता रहे। तो आज की वीडियो में रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।